थिएटर्स में इस हफ्ते कांतारा फिल्म हिंदी में रिलीज की गई है, जो कि आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी पर भी भारी पड़ रही है। कांतारा सबसे पहले साउथ में रिलीज हुई थी, जो कि 30 सितंबर 2022 को हुई थी। फिल्म के बारे में इतनी ज्यादा बात हुई कि हिंदी बेल्ट की ऑडियंस ने इसे हिंदी में रिलीज करने की डिमांड की और तब जाकर 14 अक्टूबर को इसे हिंदी में रिलीज किया गया है। नतीजा ये रहा कि सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म आज वर्ल्ड वाइड लगभग 150 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। IMDb पर इस समय ये इंडिया की हाईएस्ट रेटेड फिल्म है, जिसकी रेटिंग है 9.5 और इसका कंफर्मेशन IMDb इंडिया की ये लिस्ट भी करती है कि ये नंबर 1 पर है। ये छठी बिगेस्ट कन्नड़ा फिल्म बन चुकी है। सिर्फ कुछ ही दिनों में इस फिल्म ने सक्सेस के सारे रिकॉर्ड्स को हासिल कर लिया है। क्रिटिक्स की तारीफ से लेकर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन तक सारे रिकॉर्ड्स इसने बना लिए हैं। अब बात ये उठती है कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जो ये इतनी ज्यादा चर्चा का मुद्दा बनी है। क्या वाकई ये फिल्म मास्टरपीस है? तो फिल्म मैंने भी देखी है और ये कोई भी नॉर्मल फिल्म से जरा हटके है। सबसे पहले तो जब इसका ट्रेलर देखा था तो उसे देखकर ये समझ नहीं आया कि फिल्म एग्जैक्टली किस बारे में होगी, और इसी सस्पेंस के साथ हम थिएटर्स में पहुंचे। तो फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक राजा जो अपनी मन की शांति यहाँ वहाँ घूम कर खोज रहा था, उसे कांतारा गाँव में आकर वहाँ एक रक्षक देवता, जिन्हें देव कहा गया है फिल्म में, उनकी मूर्ति को देखकर मन की शांति अनुभव हुई। उन्होंने गांव वालों से उस देव को मांगा तो देव ने कहा कि मैं तुम्हें सुख शांति दूंगा, पर जहां तक मेरी आवाज जाती है ये जमीन तुम्हें गांव वालों को देनी होगी। देव किसी भी गांव के व्यक्ति के जरिए ही हमेशा सामने वाले से बात करते हैं। राजा बात मान लेता है, मूर्ति को ले जाता है और जमीन को गांव वालों के नाम कर देता है। पर बाद में जब उनका बेटा उस जमीन को वापस लेने की कोशिश करता है तो उसकी डेथ हो जाती है और फिर उसका बेटा भी उस जमीन को वापस चाहता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट विभाग भी जमीन को सरकारी कब्जे में लेना चाहता है। यही सब कहानी फिल्म में है और इन सारी प्रॉब्लम से डील करता है फिल्म का लीड कैरेक्टर शिवा, जिसे प्ले किया है ऋषभ शेट्टी ने, और इन्होंने ही फिल्म की कहानी को लिखा है और फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। जाहिर सी बात है, फिल्म के आखिर में शिवा देव की शक्ति को पाकर जब लड़ता है तो उस वक्त आप ऋषभ शेट्टी की बेस्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। उनकी एनर्जी को आप खुद में भी फील करेंगे और फिल्म के लास्ट के 20 मिनट आपको एकदम हैरान कर देंगे। तो ये फिल्म बस एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। जब फिल्म शुरू होती है तो काफी देर तक आप ये समझने की कोशिश करते रहते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और इंटरवल तक भी ये समझ नहीं आता कि फिल्म आखिर किस तरफ जाएगी या फिर ये फिल्म करना क्या चाहती है। पर हाँ, वो जो जर्नी चल रही होती है आप उसे जरूर एंजॉय करते हैं। सेकेंड हाफ में चीजें कंक्लूजन की तरफ बढ़ती हैं और लास्ट में हम बेस्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। हालांकि फिल्म में एक गांव की कहानी को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाया गया है कि कैसे लोग रहते हैं, कैसी उनकी सोच होती है, क्या कुछ होती हैं चीजें, और वो अगर आप गांव से हैं तो आप उसको काफी ज्यादा कनेक्ट करेंगे, और अगर शहर से हैं तो आप समझ पाएंगे कि वहां का कल्चर क्या होता है एग्जैक्टली। पर हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हैं कि फिल्म थोड़ी सी छोटी हो सकती थी। कुछ सीन्स या फिर कुछ चीजें ऐसी थी जो अगर नहीं भी होती तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और पर उसका होना भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। टेक्निकल एंगल की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। काफी अलग से सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, खासकर जब ऋषभ शेट्टी की एंट्री होती है। जितना भी विजुअल्स VFX यूज किया गया है वो भी काफी ज्यादा अच्छा आपको लगेगा, और एक्शन भी एक गांव के एकदम रॉ तरीके से कुछ लड़ाई दिखाई गई है और कुछ एकदम सिनेमैटिक एंगल से भी दिखाई गई है, तो वो काफी आपको अच्छी लग सकती है अगर आप एक्शन मूवीज के फैंस हैं तो, खासकर साउथ मूवीज के। हिंदी डबिंग करते टाइम पर भी एक काफी स्मार्ट डिसीजन लिया गया। जब मूवी के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स प्ले होती हैं या फिर देव जब अपने डायलॉग्स को बोलते हैं तब उनको हिंदी में डब नहीं किया गया है, वो एक काफी अच्छी चीज थी। और जितने भी एक्टर्स थे सबकी परफॉर्मेंस एकदम ऑन पॉइंट है, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। हालांकि स्टोरी में आप थोड़ा सा और सस्पेंस या फिर कोई और लेयर को एक्सपेक्ट करते हो, पर ये कहानी कहीं ना कहीं ऋषभ शेट्टी ने काफी सिंपल वे में ही लिखी है और वो उसी जर्नी को फॉलो करती है, और ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोगों को ये उतनी ज्यादा इम्प्रेसिव ना लगे कहानी
कहानी के वाइज, क्योंकि मेरे ही साथ के दोस्त को उतनी ज्यादा ये पसंद नहीं आई आखिर में जाकर। पर फिर भी फिल्म ऑल ओवर काफी अच्छी है और जो भी सक्सेस इसको मिल रही है वो कहीं ना कहीं डिजर्व करती है। इसका हटकर होना ही इसकी पहचान है और अपनी संस्कृति को खुलकर सबके सामने रखना ऋषभ शेट्टी का एक अच्छा डिसीजन था, जिसने पब्लिक को कनेक्ट किया, लोग उसके साथ में जुड़ गए हैं और यही इस फिल्म की सक्सेस का कारण भी बना है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने भी फिल्म को देखा है तो आप बताइए आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।